പിന്നെ വരകാടെ പറ്റും. तो सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब. मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन. आप सभी भाइयों के चैनल का किंग्स का नाम है किंग्स पिजन और आए हुए हैं हम केसरिया बलमानी पधारो मारे देश. जी हां, एक बार फिर आपको लेके आए हम राजस्थान की मिट्टी में. तो आए हुए हम जोधपुर में राकेश भाई और जीतू भाई के देसी हाई फ्लायर्स पिजन्स का शो कराने के लिए आपको एक बार फिर से. तो राजस्थान की मिट्टी में वैसे तो कई योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन यहाँ के जो कबूतर है उनके ऊपर हमेशा से लोगों का संशय बना हुआ है कि भाई राजस्थान के कबूतर इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं, उसके बावजूद ये इतनी परवाज करते हैं, उसका रीजन क्या है. तो आए हुए हैं हम जीतू भाई और राकेश भाई के पास, जो कि दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा शो कर रहे हैं. यहाँ पे जोधपुर में हम खड़े हुए हैं पापूपुरा में. तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम बुलाते हैं जीतू भाई और राकेश भाई को. तो आइए जीतू भाई, राकेश भाई. तो आप में से जीतू भाई कौन है और राकेश भाई कौन है? ये आप जीतू भाई हो, आप राकेश भाई हो, ये आपसे छोटे कि बड़े? छोटे हैं ये, लेकिन ये ज्यादा चमनप्रास खाते हैं क्योंकि ये छोटे लग रहे हैं, वो बड़े लग रहे हैं. तो जीतू भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और राकेश भाई आपका भी स्वागत है. थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, ये अपना ही चैनल है, घर का चैनल है, जोर से बोलना पड़ेगा. तो जीतू भाई, कितने साल से शो कर रहे हो आप? मेरे को 30 साल हो गया करीब करीब शो करते हैं. 30 साल? 30 साल. और 30 साल पहले जो कबूतरों की यहाँ पे शौक हुआ करता था, राजस्थान के शौक के बारे में भी अभी लोग जानना चाहेंगे बहुत कुछ. पहले शौक होता था जब कम से कम बॉर्डर रखते थे 11 बजे का, वो भी पार नहीं कर पाते थे. नहीं कर पाते थे. और अब जो शौक हुआ तो 2 बजे का भी बॉर्डर रख दो तो पार कर सकते हैं. ये 2 बजे का इजी बॉर्डर पार, बिल्कुल इजी बॉर्डर पार कर सकते हैं. पहले तो 11 का करने में बहुत दिक्कत आती थी, 5-7 कबूतर रखते थे. अब तो 51 कबूतर, 45 कबूतर, 21 कबूतर, 11 कबूतर रखते हैं. जिनमें टूर्नामेंट भी होता है तो 1 बजे का बॉर्डर होता है और 7 बजते कबूतर उड़ाए जाते हैं. तो यहाँ पे शौक जो होता है वो सर्दियों का होता है या गर्मियों का? सर्दियों का होता है. गर्मियों में यानी दिसंबर, नवंबर और जनवरी. लेकिन सर सर्दियों में तो आपका जैसे देख रहा हूँ मैं, हम लोग मिलिट्री एरिया के पास खड़े हुए हैं फिलहाल, तो यहाँ पे तो सर बहुत से बाज बेरियों के बहुत. यहाँ तो मतलब जोधपुर से यहाँ गांव पड़ जाता है ये पापूपुरा, इसमें बहुत ज्यादा मार है. जोधपुर से बहुत ज्यादा मार है, वहाँ अगर 25 पैसे है तो यहाँ पूरे 1 रुपए है. क्या बात है. उसके बावजूद सर आपने यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 300-400 कबूतर रख रखे हैं. तो इस सीजन की बाजी की बात, इस सीजन की बाजी में आपके कितने कबूतर जाए हुए? मेरे कम से कम 65 कबूतर तो बाज में ले गए हैं मेरे आंखों के सामने. ओहो, तो यहाँ पे 21 कबूतरों के लिए कितने कबूतर तैयार करना पड़ता है? कम से कम 150-200 कबूतर तैयार करना पड़ते हैं. अगर 21 कबूतर अगर 21 कबूतर उड़ाने हैं तो उसके लिए 150 कबूतर. भाई एक मिनट, 150 कबूतर तैयार करने पड़ते हैं. जब जाते कम से कम अपन टूर्नामेंट उड़ाए या किसी से भी कोई राजस्थान कप भी उड़ रहा है जी, तो संख्या इतनी हो जाती है, 150 से कम से कम 35 कबूतर तक की संख्या बचती है बस लास्ट में. बाकी सब जाया होते हैं और आंखों के सामने एक एक नहीं 4-4, 5-5 कबूतर बाज खाते हैं.
आंखों के सामने। सर आपको ये तकलीफ नहीं होती है? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत आ रही है। 3 साल मैंने वापस कब बंद कर दिया था, लेकिन मेरे स्टाफ वाले को उड़ा रहे हैं, इसलिए हम वापस 3 साल से वापस शो किया है। राजस्थान में मैंने 80 घंटे बनाए हैं 10 कबूतरों में। क्या बात है, 80 घंटे? 80 घंटे और 30 मिनट, मतलब हर कबूतर आपका 8.5 घंटा उड़ा? 8.5 घंटे उड़े। इतनी मार होने के बाद? इतनी मारने होने के बाद। तो जीतू भाई, एक सवाल हमेशा होता है मेरे दिमाग में, मैं हर जगह के कबूतर देख रहा हूँ इंडिया में, हर जगह मैंने शौक कर लिया, मद्रासी हो गए, देसी हो गए, यहाँ के जो देसी कबूतर है उनका शौक, उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और पाकिस्तान से कई लोग मुझे सवाल करके पूछते हैं कि राजस्थान के कबूतर उड़ते हैं ये, तो मुझे लगता नहीं कि वो उड़ते होंगे, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो इतने बड़े साइज के कबूतर आपके पास कैसे इतने ऊपर चले जाते हैं? बहुत जाते हैं और बहुत अच्छे उड़ते हैं और जबरदस्त उड़ते हैं। इनके सबसे बड़ी बात तो है कि खुराक पे है। अच्छा, खुराक कितने भी हो, खुराक करवाने से सब कुछ उड़ाने का फर्क पड़ता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कम से कम 3-4 महीने इनको खुराक पे रखना पड़ता है। 3-4 महीने? हाँ। मतलब भाई बाजी की उड़ान होने से 3 महीने, 4 महीने पहले से, जैसे 10वां 11वां 12वां जनवरी। अच्छा, तो इनमें रेगुलर 4 महीने खुराक पे चलती है। और नॉर्मल कबूतरों से इनकी सभी की हाइट भी ज्यादा होती है और इनकी लेंथ भी, तो इसे इजीली पकड़ा ही आ जाते हैं बाज की? नहीं, बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है ये। मुश्किल से पकड़ा? हाँ, छोटे होते हैं तो बिल्कुल साथ में, एक साथ में पकड़ा जाता है, बड़ा होगा तो एक पकड़ा नहीं जाएगा, छूटने के पूरे चांस रहेगा। ऐसा होता है कि छूट के आए हैं? 3-4 कबूतर आए हैं मेरे। हाँ, अच्छा, फटे हुए कबूतर है जिसे पूरे फट गए थे, दूसरी बार पकड़ना चाहे मुंशी आए हुए थे यहाँ पे टोक के, उनके सामने भी छुटे हैं कबूतर, क्योंकि दूसरी बार पकड़ने की कोशिश की तो पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि बड़ा कबूतर है। क्या बात है। हाँ, और छोटे हो तो 1 मिनट में पकड़ा जाए। तो राजस्थान कप की जो आप बात कर रहे हैं, राजस्थान कप में पूरा ऑल ओवर राजस्थान उड़ाता है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान उड़ाते हैं, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट होता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। हमारा बाबा साहब गुरु साहब है जो उनकी तरफ से उड़ते हैं, वो कप कराते हैं उदयपुर नहीं, कोटा के। हाँ बाबा साहब है जी। तो आपके सर अभी आपने जो इतने अच्छे कबूतर उड़ाए, 10 कबूतर पे आपने 80 घंटे से ज्यादा बनाए, तो क्या आप अकेले की ये मेहनत है, आपके कोई उस्ताद भी है? उस्ताद है ना हमारे बाबा साहब। बाबा साहब कहाँ के? कोटा के। तो भाई बाबा साहब जी, अगर आपके पास तक आपके शिष्यों की वीडियो पहुंच रही है, तो आपके शिष्यों ने आज ऑल ओवर इंडिया उनको देख रहा है, आज पूरा वर्ल्ड उनको देखेगा, और आपका नाम भी उन्होंने आज चमका दिया है। तो जीतू भाई, देसी कबूतरों में कौन सी नस्लें रखी हुई है? अपने पास तो गिरेबाज ही रखी हुई है ज्यादातर। यहाँ की लोकल कोई जोधपुर की कोई नस्ल है, जैसे टोंक के बाजरे, फीके कबूतर टोंक के माने जाते हैं? यहाँ तो कलसरेर ये माने जाते हैं राजस्थान के, तो कलसरे हुए, बाजरे हुए, कलमे हुए, ये ज्यादातर है। और आपके पास सबसे अच्छी उड़ने वाली नस्ल कौन सी नस्ल? अपने तो ज्यादातर कलमे की नस्ल है। कलमे ओके, और कलसरे भी है। बीजी शूटर में सर कैसे टाइम निकाल लेते हैं आपको? निकालना पड़ता है, इनका शौक है ये। तो पीछे मैंने सुना भी था आपने कि कई दिनों आपने शौक बंद, 3 साल बंद कर दिया, 3 साल, और उसके बाद वापस अभी शौक कर दिया था। शौक तो छूटता नहीं है ये। जी जी जी, ये शौक तो बिल्कुल नहीं छूटता, मुझसे नहीं छूट रहा था, इनसे कहाँ से छूटेगा। जीतू भाई, जितने कबूतर मार में जाते हैं, तो क्या आप कभी सोचते नहीं कि हम लोग यहाँ पे राजस्थान में पंजाबी मद्रासी कबूतर लाएं? लेकिन यहाँ पे हमारे अलाउड नहीं है। जी जी, राजस्थान में अलाउड नहीं है पंजाबी मद्रासी, अगर कब भी उड़ाएंगे तो उसमें छांट देंगे, इसमें ये है पंजाबी रही है मद्रासी, तो उनको साइड में कर दिया, उनको साइड में कर दिया। मतलब यहाँ पे आके ऑलरेडी स्कॉट चेक करते हैं पहले कबूतरों की चेकिंग होती है। अगर ये मद्रासी पंजाबी होगा तो नहीं उड़ाएंगे। कितने कबूतरों से स्टार्ट होती है यहाँ पे बाज? यहाँ बाज में होती है ऐसे तो 51, 71, 81 ऐसे उड़ा दिए। आपने ज्यादा से ज्यादा कितने कबूतर उड़ाए? मैंने 51 से उड़ाया, क्यों ज्यादा यहाँ पे जहाज की मार है सबसे बात, बेरीबाज की तो है लेकिन साइड में एयरपोर्ट है। अच्छा, तो इससे ज्यादा संख्या से कबूतर उड़ा नहीं सकते। अच्छा, बाजू में एयरपोर्ट होने के कारण आ जाती है। 9 बजे के करीब फ्लाइंग चलती है यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे ज्यादा के 1-2 फड़क देते हैं, तो नेचुरल है कि 50 की भी देंगे तो 9-1 बजे 8:30-9:11 के बीच में कबूतर का टोड़ा आएगा। हाँ, तो फिर ये पूरी साइड में गाड़ी आएगी जांच, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कई बार ऐसा हुआ है हमारे? हाँ बिल्कुल, कबूतर जल गए और उससे भी कबूतर कट गए हमारे। तो राकेश भाई, आपके छोटे भाई हमेशा आपका साथ देते हैं। हाँ, राकेश भाई के पास आ जाते हैं अभी। हाँ, तो राकेश भाई पूरी मेहनत आप ही करते हैं यहाँ पे, मैंने देखा नीचे से अभी ऊपर तक। तो कितनी खुराक देना पड़ती है कबूतरों को, कैसे खुराक बनाते हैं आप कबूतरों को? कम से कम 10-12 हजार की आ जाती है। 10-12 हजार की एक बार खुराक बनती है, जिसमें 4 खुराक बनती है, 15-20 दिन की खुराक बनती है, जिसमें 10-12 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा आती है ना कबूतरों की। अच्छा, इससे हिसाब से ये पूरे 4 महीने में तो कम मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए की खुराक बन बिल्कुल जाती बन जाती है। कम से कम 50-60 की नहीं तो 35 हजार की खुराक बन जाती है। 35 हजार रुपए की खुराक, मतलब उसमें खुराक में क्या देते हैं? बादाम
ये मतलब अपने जो सिंधना में जो भी खाते हैं कुछ गूम वगैरह ये आइटम नहीं डालते हैं, बाकी तो ताकत की जितनी भी चीजें हैं सब डालते हैं। बताना चाहेंगे व्यूअर्स को आपकी आप क्या खिलाए तो ताकत आ जाए थोड़े कबूतरों को? बहुत ये खुलास में बताना जरूरी नहीं, खुलास में नहीं बताइए थोड़ा सा कि आप ये ऐसी रोटी बना के डाल दीजिए। हाँ जैसे घी में रोटी है ये दे देते हैं रेगुलर शाम को। जी जी। और दूसरी बात है कि हर शाम सुबह बादाम की गोली वो बना के जो नुस्खा होता है वो बना के ताकत के लिए वो बना के दे देते हैं, वो देते हैं डेली कबूतरों को सुबह सुबह 3-4 महीने रेगुलर। तो भाई कोई भी चीज खुल के बता नहीं सकते जीतू भाई, क्योंकि भाई बंदिश रहती है, ऊपर से उस्तादों को भी बोलना ऐसा रहता है कि कोई भी चीज खुल के नहीं है। और सर अभी मैं सुनता हूँ कि सभी लोग गोलियों पे कबूतर उड़ाते हैं, तो क्या यहाँ पे भी आप लोग भी गोलियों पे? नहीं बिल्कुल गोली पे नहीं उड़ाते हैं, देसी ताकत से उड़ते हैं अपने कबूतर। और कुछ ऐसा है कि हमारे बाबा साहब ने भी हमारा को जो नुस्खा बताया है वो भी कोई अपने गोलियों का नहीं है, वो भी ताकत का ही है। अच्छा। जितनी खुराक खाए हुए रहेंगे उतनी कबूतर उड़ान करेंगे, जिस तरीके का पानी कोई भी चीज खुलाएंगे। तो गर्मियों में मतलब ठंडियों में गर्म पानी लगता है घंटी में कबूतर? तो भाई बातों के सिलसिला को अभी थोड़े हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है बिल्कुल अभी नीचे की ओर जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे। जीतू भाई के बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं जिनसे भी आपको वाकिफ कराना है मुझे, तो जाते जाते जीतू भाई से एक और सवाल पूछ लेते हैं कि अगर जीतू भाई कभी मद्रासी और पंजाबियों का दौर राजस्थान में आए तो क्या आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपको पर्सनली प्यार है उनको? हाँ बिल्कुल प्यार है, प्यार कैसे नहीं है, पंजाबी मद्रासी बिल्कुल पसंद है। लेकिन देसी कबूतरों पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो खूबसूरती है पंजाबी मद्रासी कबूतरों में नहीं नहीं होती, जो इनकी खूबसूरती उसके कुछ नहीं। तो भाई 30 साल से अपने जीतू भाई और राकेश भाई साथ में शौक कर रहे हैं, दोनों भाई मिलके शौक कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई शौक में दोनों भाई बिल्कुल जुड़े हुए हैं और राकेश भाई यहाँ पे पूरी मेहनत करते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, अभी दिखाते हैं यहाँ पे उड़ने वाले कबूतरों को जो सेटअप है ये देख लीजिए आप सबसे पहले कि इतना अच्छा सेटअप बना के रखा हुआ है। इस तरफ मेल है और इस तरफ फीमेल है। जीतू भाई पहले क्या दिखाएंगे आप, मेल की फीमेल? पहले मेल दिखाएंगे। ओके, अभी ये उड़े हुए कबूतर हैं? हाँ सब उड़े हुए कबूतर। ये सारों को फड़क लगी? बिल्कुल सारों को उड़े हुए थे, क्योंकि मैंने पर हो गए वापस है दी हुई, इसलिए बाहर छुड़ा देते हैं। तो इनके फिर जोड़ में कब जाएंगे वापस? ये जोड़ में उड़ान के कबूतर जोड़ में नहीं डालते कभी भी, कभी भी नहीं डालते। इनको हरदम अलग ही रखते हैं, हरदम अलग। हाँ इनको जोड़े में डालते ही नहीं है, बहुत बाद में जो कम से कम उड़ाने 10-12 उड़ान लग लेते हैं, अब मान लो कि इसमें नहीं उड़ाना है तो जोड़े में डालते हैं, नहीं तो पड़े हैं पड़ा। क्या बात है, मतलब 5-5-6-6 साल जोड़े तो जाते ही नहीं, जाते नहीं है। बहुत कम चांस है कि जोड़े के कबूतर अपन इसमें लगाते नहीं, जोड़े अलग ही बनाते हैं। मैं आपके पास देख रहा हूँ कबूतरों की उम्र मुझे 5-6 साल पलट ही कबूतर दिख रहा है, 5-6 साल पलट कबूतर भी इतने उड़ते हैं? उड़ते हैं। एक नॉर्मल कबूतर की उम्र क्या होती है उड़ने तक? उड़ने की तो कम से कम ऐसे तो है कबूतरों की 20 साल तक है। 20 साल में भी उड़ेगा कबूतर? नहीं उड़ेगा नहीं, बाकी उम्र है उसकी, कम से कम 12-13 साल तक कबूतर उड़ सकता है कॉम्पिटिशन में। 12-13 साल तक? सर अगर हम बॉम्बे की ओर हम कुछ करें तो बॉम्बे में हमारे यहाँ 10 साल में पूरा कबूतर ठंडा हो जाता है। मेरे साथ 8 साल का कबूतर पड़ा है जो अभी उड़ाया है मैंने, 8 साल का। तो भाई ये ऐसे सारे हीरे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। अभी जीतू भाई के कबूतर आपको दिखाने वाले हैं जो कि उड़े हुए हैं, और सेकंड पार्ट में आपको ब्रीडिंग वाले पेयर्स दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं जीतू भाई के उड़ने वाले कबूतर। तो अभी ये जो कंपटीशन में कबूतर उड़े थे उनको अभी नीचे लिया जा रहा है, यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त और साइज़दार कबूतर है सारे के सारे। और ये सारे कबूतर यहाँ पे बांस भेरी की इतनी वार है उसके बावजूद भी कबूतर बहुत शानदार उड़ते हैं जीतू भाई के। तो फर्स्ट आपको दिखा रहे हैं ये दोनों नर हैं, वैसे तो जैसे अपना नॉर्मल स्टाइल होता है वैसे ही स्टाइल में दिखा रहे हैं हम लोग कबूतर आपको। ये दोनों मेल है वैसे तो, लेकिन एक हाथ में एक कबूतर अच्छा नहीं लगता इसके लिए दोनों दिखाते हैं। तो सबसे पहले कलसरे से स्टार्ट करते हैं, इसकी आंख दिखाइए जरा जीतू भाई हमें। तो ये देखिए भाई कबूतर जीतू भाई कितना टाइमिंग तो उड़े हुए हैं कलसरे कबूतर। ये कलसरे कबूतर मेरे को कम से कम 7-8 साल हो गए इसको उड़ाते। 7-8 साल? हाँ। और अभी लास्ट क्या इसने फ्लाइंग दी है? ये इसको 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक? हाँ। ठंडियों में अभी? हाँ ठंडियों में अभी दिसंबर में। क्या बात है बहुत शानदार, इसकी आंखें भी देखिए कितनी शानदार है। ये देखिए और पास ले चलते हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं ही अभी कैमरा यूज कर रहा हूँ। बहुत शानदार, इसके पंख दिखाइए जीतू भाई थोड़ा नीचे कर। बहुत ही शानदार कबूतर है। देखिए मैं बोता जैसे आपको बता रहा था कि इनकी जो साइज़ होती है कबूतरों की माशाल्लाह बहुत बड़ी होती है इनकी साइज़, और पंख भी देखिए इनके कितने मुलायम होते हैं। जीतू भाई कैसे होना चाहिए कबूतरों के पंख? कबूतर के जितने पर बड़े होते हैं जैसे ये साइड के, हाँ हाँ,
ये वाले मेन पंख, मेन पंख, सब इन्हीं की करामात है। अच्छा, और बदन देखो जैसे ये लग बहुत बड़ा रहा है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसका बदन देखो जैसे कबूतर उड़ान के समय जो दौड़िंग करते हैं, बिल्कुल 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 उस हिसाब से बने हुए हैं, बिल्कुल खा के मोटा भी नहीं, हाँ, पर हल्के हैं, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हैं, कोई बोलेगा भी नहीं इनको कि ये बीमार है, बीमार है ये देखो, क्योंकि ये इतने हल्के हो गए, आप हाथ में लोगे तो आप बोलोगे यार ये बीमार हो गया, लेकिन ये कबूतर इतने कसे हुए हैं, कसे हैं, जैसे पहलवान की एक बॉडी होती है कसी हुई बिल्कुल ऐसे। तो ये कबूतर जो है जीतू भाई, ये गंडेदारों में थोड़ा दिख रहा है मुझे, तो कलमों में क्रॉस है, तो जो टोंक की जो नस्ल है उनमें से है ये। ओके, इसको छोड़ दीजिए सर, इसके पंजे और पूंछ नहीं दिखाई हमने, तो पंजे में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए तो पूंछ भी इसकी बंद ही है लगभग, इसको अंदर ही छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो ये वापिस ज्यादा पकड़ने से पूरा मान। अच्छा, ये जालदार कबूतर, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? कलसरे बोलते हैं हमारे, कलसरे। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत शानदार है। इसके भी पंख देखिए आप, इसकी आंख दिखाइए सर। और ये यहाँ के राजस्थान के कबूतरों की खूबी, थोड़ा इसकी खूबी एक बताता हूँ मैं आपको, कि इनकी खोपड़ी बड़ी, बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, संबल वाले कबूतरों की खोपड़ी होती है बिल्कुल वैसी, और उड़ने के बाद कबूतरों की बहुत शानदार। देखिए कबूतर की कितनी बारीक है, इसके पंख दिखाइए जी तो भाई, ये देखो पंख देखो कितने बड़े हैं, क्या बात है, बहुत शानदार। और ये बहुत उड़े हैं, ये तो बाजों से झगड़ा करके आते होंगे, बाजों से झगड़ा करके कम से कम 5:15 बजे तक ये आए हुए हैं, क्या बात है, 5:15। इसकी उम्र कितनी है जी तो भाई? इसकी उम्र है कम से कम 6-1 साल। तो ये कितने बजे तक उड़ा हुआ है? ये 5:15 बजे तक उड़ा हुआ है। हाँ, तो पंख देख लेते हैं हम लोग वापिस एक बार, क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल बिछे हुए पंख है। इसकी पूंछ दिखाइए सर, इसकी पूंछ, पंजे थोड़ा सा हाथ हटा लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ पंजे, बहुत शानदार पंजे भी, क्या पंजे है, वाह बहुत शानदार, साइज देखो कबूतर की, बहुत जबरदस्त, बहुत ही फुट भर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े कबूतर उड़ते हैं यही बहुत बड़ा आश्चर्य। कितने देर लगती है इनको बंद होने में? कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर पूरे बंद हो जाते हैं, पूरे बंद, डायरेक्ट जीरो, बिल्कुल जीरो, कुछ नजर नहीं आता है नीचे, क्या बात, इतने तेज ऊपर जाते हैं, तेज ऊपर जाते हैं, 45 के कबूतर की फड़क लगाता हूँ मैं जी, जिसमें इक्के दुक्के कोई नीचे रह जाए तो रह जाए, बाकी सारे बंद, सारे बंद, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, ये इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे जीतू भाई? हमारे यहाँ इसको चीना बोलते हैं, चीना हमारे यहाँ, आप चीना ही बोलते हैं, चलो बढ़िया, किसी चीज में तो हम मेल खाए हम लोगों ने, क्या बात है भाई, पिलंका चीना कबूतर, हल्दी आंखों का कबूतर है, हल्दी आंखों का कबूतर, बहुत शानदार। ये कितनी देर तक उड़ान है? बहुत उड़ान है। कितनी देर तक उड़ा हुआ? कम से कम 6 बज जाती है, 6:15 तक आया हुआ, शाम तक आया, क्या बात है, और क्या स्पीड है इसकी, क्या अगर खुलने के बाद में कम से कम 10 मिनट ही नहीं लगाता है, शाम को भी डायरेक्ट नीचे, क्या बात है, मतलब भाई एक कबूतर होता है जो बंद होता है धीरे धीरे चल के लेता है, हाँ हाँ, और ये कबूतर आएगा पूरी काप मारता हुआ आएगा, मतलब इस पे पूरा विश्वास कर सकते हैं कि जीता देगा भैया, अगर ये खुल गया तो आएगा नीचे, क्या बात है, वो कई कबूतर ऐसे होते हैं खुलने के बाद भी नहीं आते, बहुत ज्यादा है जी जी, अगर 6 बजे नजर आ गया तो कम से कम 6:05-6:10 तक नीचे आ जाएगा, आ ही जाएगा 100% दिखने के बाद, खुलने के बाद बहुत जल्दी आता है, क्या बात है, राकेश भाई ऊपर से बोल रहे, दिखने के बाद बहुत स्पीड से नीचे आता है, और दूसरों को भी लेके आता है नीचे, दूसरों को लेकर नहीं आता है, अच्छा, अगर कोई जैसे कि वाटर से पहले गिर रहा है, हाँ हाँ, तो उसको वापस नीचे लेने के लिए आएगा ये, अरे बाप रे, ऊपर वापस लेकर जाएगा ये, क्या बात है, मतलब दूसरों को साथ में लेके चलता है, जैसे दिख रहा है कोई नीचे आ रहा है तो वापस उसके साथ होगा, साथ होगा, लंबे लंबे ले जाकर वापस ऊपर जाएगा, क्या कोई और नीचे आएगा तो उसको भी साथ ले जाने की कोशिश, मतलब आपके पास का ड्राइवर है, बिल्कुल ड्राइवर है, क्या बात है, तो इसके पंख दिखाइए फिर भाई ड्राइवर साहब के हमको, बहुत शानदार, बिल्कुल बिछे हुए पंख है, बहुत ही शानदार मुलायम पंख, और वजूद भी कबूतर का बहुत शानदार है, बड़े कबूतर होते हैं भाई जोधपुर के और राजस्थान के, हम बात करें टोंक में भी, पूंछ देख लीजिए बिल्कुल बंद है, इतने बड़े साइज के कबूतर उड़ते हैं, बड़ा ही आश्चर्य होता है, पंजे देखिए भाई इसके, बिल्कुल खुरदुरे पंजे है, पूरे बंद है, क्या बात है, बहुत शानदार जी, इसका बहुत जबरदस्त भरोसा है इसके ऊपर, अच्छा, इसका कभी भी रात नहीं रहा है, कभी भी रात नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, क्या बात, और ऐसा भी होता है रात रह जाते हैं, रात रह जाते हैं काफी, आते हैं सुबह, सुबह आते हैं, क्या बात है, तो इनके सर ये ऐसी नस्लों के आप बच्चे नहीं बना रहे हैं सर, ऐसा क्यों? इनके माँ बाप पड़े हैं ना मेरे पास, अच्छा, ये घर का बच्चा है, घर के बच्चे हैं ये, क्या बात है, बहुत शानदार,
ये देखिए भाई, काले गहरों में कबूतर है और इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई कबूतरों का, क्या बात है, बहुत शानदार आंख देखिए इसकी भाई, मोती आंख है बिल्कुल, पल आइस, बहुत शानदार। इसका क्या रिकॉर्ड है जीतू भाई? इसका कम से कम 4.5-3.5 का फिक्स है ये। अच्छा क्या बात है, सिर्फ खुराक पे कबूतर इनके देखिए, शाम शाम तक उड़ते हैं। इसको बाज ने भी मारा है? बाज ने मारा है इसको जी, कम से कम 1:45 बाद में पकड़ा इसको, लेकिन अब निशान नहीं आएगा क्यों काफी 3-4 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, आप तो भर गया होगा, लेकिन दिख रहा है तब भी थोड़ा। ये जगह से पकड़ा, एक साइड से पकड़ा हुआ, छूट गया था। अच्छा, तो ये बड़े जो कबूतर होते हैं ताकत लगा के छूट लेते हैं, ताकत है ना इसलिए छूट जाते हैं, छोटे कबूतर नहीं छूट पाते होते हैं तो वो ऐसे ही पकड़े हुए रह जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये छूट जाते हैं, लेकिन क्या बात है, इसके पंखों का शौक कराइए जरा, बहुत शानदार पंख। अभी ये पंख, अभी तो ये कबूतर उड़ेंगे नहीं साल, अब नहीं उड़ेंगे अब, तो अभी इनकी पंख पिटाई अभी अगले साल ही होगी, अगले साल ही, अभी बस खाएंगे पिएंगे, पिएंगे बस, अलग नर है अलग मादी है। क्या बात है, तो भाई जब तक भी इनको आपको उड़ाना है 8-10 साल तक, ये इनको जोड़ पे नहीं लगाएंगे, जोड़ पे नहीं लगाएंगे, बहुत ही जबरदस्त शौक। इतने कबूतर एक साथ कैरी करना और उनको खिलाना पिलाना ये भी बहुत बड़ी बात है। अब इनको दानों की बात करें तो मेरे ख्याल से 4-5 किलो दाने तो रोज लग जाते होंगे इनको, कम से कम 7-8 किलो का दाना, 7-8 किलो का दाना, वो भी दाना भी इनको नॉर्मल नहीं है, एकदम अच्छा वाला ही खिलाना पड़ता होगा, सारी मिक्स है। और ये देख लीजिए भाई, ये बाजरा, ये मेरी 30 साल पुरानी नस्ल है, जो 30 साल बाप दादा उड़े हैं मेरे पास, ये मतलब आपके उन घर का ही बच्चा, घर का ही बच्चा है ये मेरी। अभी इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र है कम से कम 6 साल। थोड़ा इसको धूप की तरफ कीजिए इसकी आँख, क्या बात है। तो ये ब्लू आइस वाला कबूतर जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लाल डोरे हैं और आंखों में इसके अलग ही एक, ना वाइट बोलेंगे इसकी आँख, ना इसकी आँख हम लोग क्रीम बोल सकते हैं, अलग ही एक ब्लूइश पना है इसकी आंखों में, क्योंकि बहुत ही शानदार दिख रहा है। और इसकी पुतली देखिए आप कितनी बारीक है, फ्लैश देखिए आंखों का, जूमिंग देख लीजिए, बहुत शानदार कबूतर है। इसके पंख दिखाइए जरा जीतू भाई, बहुत शानदार। क्या इसका पूरा खानदान उड़ा है मेरे पास, पूरा खानदान। और खानदान। क्या टाइमिंग देता है सर ये कबूतर? ये कबूतर टाइम देता है कम से कम 5:30-4 के बीच में आता है ये। क्या बात है, बहुत शानदार। और अगर बाज भेरी के मारना हो तो यहाँ पे तो रात रात रह जाए कबूतर, बस बाज भेरी के कारण ही कबूतर जल्दी आ जाता है, नहीं आ जाते हैं और ऊपर के ऊपर 5-5-10-10 उड़ा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसके पंजे दिखाइए जरा, तो ये देख लीजिए भाई, ये है कलंच कबूतर हम लोग बोलते हैं इसको। आप ये हाथ में पकड़ने से बहुत बुरा मानता है। अच्छा ओके, इसलिए ज्यादा देर इसको रख नहीं सकते, थोड़ा इसकी आंख दिख नहीं रही लेकिन प्रॉपर, ओके हाँ अब दिख रही है, बहुत बुरा मान जाता है, बहुत बुरा मानता है। देखिए मुंह खोल दिया है इसने, इसने मुंह खोल दिया और घबराहटी हो गई इसके, मतलब अच्छा। परेशान हो रहा है ये देखो, हाँ ये ज्यादा ताकत लगा रहा है। अच्छा। ये तो बाज पकड़ के ले गई उसको, जी जी, ये अगर ज्यादा देर पकड़ा रहेंगे तो खत्म हो जाएगा, हाथ में मर जाएगा, हाँ हाथ में मर जाएगा। हेलो, क्या बात है, ये देखिए डॉन, ये बाज से पकड़ के वापस छूट के आया हुआ है, ये अभी उड़ता है, ये उड़ता है अपने 3-3-4-4 बजे आया, अभी भी उड़ रहा है, अभी भी उड़ रहा है। अभी क्या उम्र होगी इसकी? इसकी उम्र है कम से कम 8 साल। क्या बात है। और ये देखो भाई, ये एक और कबूतर दिखा रही है, ये काय में क्रॉस हुआ है? सारंगपुरी में, सारंगपुरी और चितले, चितले मिले। चितले क्या होता है ये एक्चुअली? चितले कबूतर होते हैं। कहाँ की नस्ल है ये? चितले तो नस्ल जोधपुर की भी है, जोधपुर की। कैसे होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कलर क्या होता है? काले में होते हैं, काले में होते हैं। अपने पास? अपने पास है, नीचे रोड है। क्या बात है, तो ऐसा लग रहा है मैं सारंगपुरी कबूतर ही देख रहा हूँ अभी। हाँ। लेकिन साइज बहुत जबरदस्त है इसका, इसका खोल के दिखाई, इसका पलड़ा ये देखो, छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है, जो साइज अपने पास है उससे तो बहुत छोटा है ये। क्या बात है, बहुत शानदार। ये भी उड़ा हुआ है? ये भी उड़ा हुआ है, मतलब जो यहाँ पे बचे हुए है सारे उड़े, सारे उड़े हुए हैं। इसके भी नाखून दिखाइए जरा, ये देखो क्या बात है, बहुत शानदार। राकेश भाई ऊपर बैठ गए आराम से कबूतर दिखाने के लिए। ये देखिए भाई, ये कलसरे जीतू भाई, रामपुरी कलसरों के बारे में सुना है आपने? हाँ बहुत सुना है, मेरे पास जोड़े भी थे 5-6। छोड़ इसी, इसके हाँ आपके पास थे जोड़े? हाँ। क्या हुआ उसका रिजल्ट, यहाँ पे उड़ा के दिखा आपने? अच्छे उड़ते हैं वो। तो ये कलसरे जो कबूतर है लगभग हर जगह पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, राजस्थान के कलसरे हो गए, मुजफ्फरनगर के भी कलसरे दिखाए मैंने आपको, रामपुरी कलसरे भी दिखाए आपको। ये बड़े अगर आपको दिखे तो आइडेंटिफिकेशन यही है उनका कि राजस्थान के, मीडियम साइज में अगर आपको दिखे तो आपको समझ जाइए कि मुजफ्फरनगर के हैं, और साफ सुथरे अगर दिखे आपको बिल्कुल सफेद तो समझ लीजिए रामपुर के हैं, रामपुर के। रामपुर के कबूतरों में ये काली पत्तियां खासी आपको नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, रामपुर में पूरे व्हाइट रखेंगे, और ये जो राजस्थान में दिखेगी गर्दन दिखेगी सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल।
पंजे दिखाइए इसके, एक कड़मो नस्ल है कड़मो, ओके। लेकिन इसको ऊपर से अगर देख रहा हूँ मैं तो मुझे सारंगपुरी टोपीदार जैसा, टोपीदार जैसा लग रहा है बिल्कुल। भाई की नस्ल ये कड़मो में निकली हुई है, क्या बात है। और अपने ये 10 साल का है उम्र का। और क्या टाइमिंग देता है ये टाइमिंग 4:45 से 8 अभी भी क्या बात है। कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो सर इनको? ये चक्की का आटा भी अभी आती है, आप इधर आपको बताएंगे कम से कम 50-50 कबूतर उड़ा के। हाँ, हमारे पास वाले बोलते हैं भाई साहब क्या खिलाए इनको, पूरे बंद हो गए एक साथ, पूरे बंद हो जाते हैं एक साथ, पूरे बंद, पूरे बंद होते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। नहीं, पूरे कबूतर बंद होना मतलब एक विशेष बात होती है। ठीक है सर, तो अभी हम मादियों के सेटअप की तरफ चलते हैं। अभी फिलहाल इनको यहाँ से थोड़ा पास से दिखा देते हैं ताकि जितने हमारे दोस्त हैं भाई लोग हैं उनको थोड़े मजे आ जाए। और भी ये कलदुमा कबूतर है, बहुत शानदार। और ये जालदार और कलसीर है, बस यही यहाँ की एक ब्रीड है। मुझे यहाँ पे एक थोड़ा टेढ़े में ये भी दिख रहा है, मुझे देवबंदी कबूतर भी दिख रहा है, ये देखिए। बाकी अब ये मादियों का सेटअप है बाजू में, तो ये सारी मादियाँ अंदर आ रही है अभी फिलहाल। थोड़ा इनको ढकलिए अंदर, ये देखिए ये सारी बाजियों में उड़ी हुई मादियां हैं। नर मादी का सेटअप अलग है बिल्कुल ही, ये देखिए सारे आपको एक ही ब्रीड दिखेगी, क्या बात है। ये पूरा मादियों का सेटअप है, ये देखिए। और ये देखिए भाई, ये कबूतर अभी उड़ रहा है, ये जालदार बहुत ही शानदार उड़ते हैं ये कबूतर। आप सारंगपुर के, सारंगपुर बोल रहा हूँ मैं, आप किसी भी जगह के इस कलर के कबूतर जो होते हैं जालदारों में विशेषता यही होती है, बहुत शानदार उड़ते हैं। मुजफ्फरनगर के कबूतर भी बहुत ही शानदार उड़ते हैं जालदारों में, क्या बात है जी। तो मादियों के पास आ गए हम लोग, ये देखिए ये जालदार मादी है, गेरी अम्बलसरी में मादी ने, गेरी अम्बलसरों में। ये कितने बजे तक उड़ी हुई है? ये तो 5-5, 6-6 बजे एनी टाइम, आज कभी भी उड़ाओ, कभी भी उड़ाओ, 5 दिन का 10 दिन का भी दमा दोगे 5-6 बजे तक उड़ती है, 5-6 बजे तक उड़ती है, फिक्स है। क्या बात है, बहुत शानदार। इसकी पंख दिखाइए, अभी भी देखो ताकत, देखो इसकी क्या बात है, बहुत शानदार। ताकत ही सब कुछ होती है मतलब कबूतर उड़ान के, तो ताकत ही होती है सब कुछ। ये पूंछ है और ये झंडे थे, ये देखिए पूंछ, इसको छोड़ दीजिए भारी भाई, अभी तो भारी थी नहीं। हाँ, क्या बात है, इसकी आंख दिखाइए, ये उसकी बहन दिख रही है। हाँ, बहन ही है उसकी। हाँ, क्या बात, ये घर के बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ कुछ 8-10 जोड़ी लगे हुए हैं शायद। नहीं नहीं, ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोड़े हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत अलग बड़े वाले में छोटे वाले में ही है। जितने भाई आप देते भी हैं अगर किसी ने कबूतर आपसे? नहीं नहीं, मैं किसी, हाँ ऐसे तो ऐसे जोड़े बच्चे के लिए दे सकता हूँ, बिक्री के लिए नहीं। हमारे तो उस्ताद से लेकर आ जाते हैं उड़ान के लिए, बहुत रखते हैं उस्ताद। क्या बात है, बहुत शानदार। इसकी भी नाखून दिखाइए सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, ये कितने साल पुराना कबूतर है? ये कम से कम 14 साल हो गए, 14 साल पुराना कबूतर। ये भी उड़ता हुआ है? फुल उड़े थे ये। ये बंद होते हैं बिल्कुल? क्या बात, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मद्रासी टाइप दिख रहा है, मद्रासी टाइप लग रहा है, लेकिन है नहीं मद्रासी। लेकिन इसका अभी उम्र होने के कारण इसके नथुने फूल गए, फूल गए, नहीं तो है नहीं मद्रासी, है नहीं मद्रासी, ये तो प्योर अपने कलमों के जोड़ों की नस्ल है, अपनी खुद की घर की नस्ल है, बहुत शानदार। तो मादिया अभी जो भी उड़ी हुई है सारी, ये ऊपर बैठी हुई है। जीतू भाई थोड़ा सा इनको उड़ा के दिखा सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ, ताकि बैठ जाए, ताकि जितने भी हमारे दोस्त हैं खुश हो जाए भाई कि जीतू भाई ने कबूतर उड़ा के बताया जरा ऊपर चढ़ जाने। ये देखिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे आपको कबूतर उड़ा के दिखा रहे हैं थोड़े, कि इनकी चाल कैसी है ये भी पता चल जाए जरा हमारे भाइयों को। काफी थर पड़े हुए हैं ना, अच्छा की वजह से परेशानी है। ओके, कबूतर आपने 19 दिसंबर को उड़ाए थे, 21 दिसंबर को? जी जी जी, क्या बात, क्या बात है, देखिए भाई
फिर जाने लगे ऊपर की तरफ। बहुत शानदार। अभी ये कबूतर कई दिनों से अभी बंद है, शायद 15-20 दिनों से बंद है ना कबूतर, ज्यादा दिनों से। इसके लिए जाम हो गए कबूतर, महीने भर से कबूतर बंद है, इसके लिए जाम है फिलहाल। तो भाई कैसा लगे आपको जीतू भाई के कबूतर, आपकी राय कमेंट्स जरूर बताइएगा। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि देश विदेश की सारी खबरें और सारे शौकीन हजरात के कबूतर आप तक पहुंच सके। तो मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हैं हम जोधपुर में और अब दिखा रहे हैं आपको राकेश भाई और जीतू भाई के पास किए हुए ब्रीडिंग वाले पेयर्स का सेटअप। तो सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत होगा। तो मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।